अफगानिस्तान की सूरतेहाल और दो तरफा दिलचस्पी के अमल पर तबादला ख्याल किया और खुद की सतह पर मुज़ाकरात कुछ देर में होंगे। कराची में बरसते बादल शहरों के लिए जहमत बन गए। कराची में रात गए कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश, गली मोहल्लों और शाहराहों पर पानी जमा हो गया, अंडरपासेस भी पानी से भर गए। सफर करने वालों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। शहर में आज भी बारिश बरसने की पेशेंगोई। जैकबाबाद और कंबल समेत सिंध के दीगर शहरों में भी बारिश महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिशों का स्तर 3 रोज तक जारी रहेगा। बलोचिस्तान में भी मूसलाधार बारिशों से नदी नालों में तुगयानी आ गई। कोहलू में सूरतेहाल काबू से बाहर हो गई। राब्ता सड़कें बह गई। जानदारान, मामंद ग्राम, वज सफेद और दीगर इलाकों में राब्ता सड़कें तबाह हो गई। कोहलू का सिब्बी और कोयटा से जमीनी राब्ता मुनक़ता हो गया। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलाकों में बारिशों के देरी। पंजाब में कोरोना की चौथी लहर मजीद खतरनाक। मस्बत केसेस की शरह 8% तक जा पहुंची। रावलपिंडी में रिकॉर्ड 17%, लाहौर में 12% केसेस मुस्बत आए। मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 84 अफराद इंतकाल कर गए। 4062 नए केसेस रिपोर्ट हुए जिनमें मस्बत शरह 6.43% रही और सिंध में कोरोना केसेस में कमी, मस्बत शरह 6.7% रही और कराची में शरह 6% तक रिकॉर्ड हुई। अफगानिस्तान के अमरी वजीर आजम मुल्ला हसन अकबर की साबिक अफगान हुकूमत के आला हुक्काम से वापस आने की अपील। वजीर मुल्ला हसन अकबर ने कहा कि सफीरों और इंसानी इमदाद की तंजीमें उस सिक्योरिटी को यकीनी बनाएंगे। अफगानिस्तान के लोगों से नफरत और कत्लोगार का वक्त अब खत्म हो चुका है। अमरीका और तमाम ममालिक से मस्बत और मजबूत ताल्लुकात के ख्वाहां हैं। तालिबान की नई अबूरी काबीना 9/11 हमलों के 20 साल मुकम्मल होने पर हल उठाएगी। अमारात इस्लामी अफगानिस्तान का अबूरी हुकूमत की 11 सितंबर को हल पदारी का ऐलान। तालिबान हुकूमत ने अफगानिस्तान में मुजाहरों पर पाबंदी लगा दी, पेश की इजाज़त लाजमी करा दे दी। मौलाना फजल रहमान की हुकूमत पर तनकीदी वार कहते हैं कि कौमें आगे जा रही हैं और हम पीछे। तब्दीली सरकार तबाही लेकर आई, तरक्की अफवाह बनकर रह गई। मुल्क में तरक्की की शराह 0 से भी नीचे आ गई। मुल्क में ज़्यादातर डिक्टेटरों ने हुकूमत की जमहूरियत पर यह बवाल रही। मजीद बात करते हुए उन्होंने कहा कि अफगानिस्तान में अमरीका और नेटो इतिहादियों समेत सब को शिकस्त हुई और कहा कि यूरोप की दुश्मनी दहशतगर्दों से नहीं इस्लाम से। तालिबान ने अफगान खवातीन के क्रिकेट खेलने की मुखालफत कर दी। मजीद कहा कि वो किसी भी खेल में हिस्सा नहीं लेंगी। सकाफती कमीशन के नायब सरबराह मुल्ला अहमदुल्ला वासिफ ने मजीद कहा कि खेलों में हिस्सा लेने से खवातीन दुनिया के सामने आएंगी जो इस्लामी कवानीन के खिलाफ है। उधर क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया में मैन टीम के साथ क्रिकेट न खेलने की धमकी दे दी। ICC का इजहार तशवीश। पंजाब में आटा मुसलसल महंगा हो गया। लाहौर में प्रति किलो कीमत 5 रुपए मजीद बढ़ गई। लाहौर में 20 किलो आटे के थैले का रेट मजीद 100 रुपए महंगा होकर 1220 रुपए का हो गया। आटे के नर्ख बढ़ने से आम आदमी की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो गया। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन के मुताबिक हुकूमत ने गंदर की कीमत बढ़ाई तो आटा महंगा करना पड़ा। कराची में बारिशों का एक और स्पेल। KDA स्कीम 1 मोहम्मद सोसाइटी स्टेडियम रोड पर बरखा बरसी। शहीद मिल्लत रोड, तारिक रोड, हैदराबाद में भी बारिश हुई। बारिश बरसते ही बिजली मुअत्तल हो गई। औरंगी टाउन में खस्ता हाल मकान की दीवार गिरने से माँ और 3 बच्चे जा बाहर। टंडू मोहम्मद खान, खैरपुर, जैकबाबाद, कंबल और दीगर इलाकों में भी बारिश से निशेबी इलाके जेरे आबाद। कौमी क्रिकेटर मोहम्मद नवाज कोरोना का शिकार। न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज से आउट। मोहम्मद नवाज 10 रोज तक कैरेंटीना करेंगे। तजमान PCB के मुताबिक 2 टेस्ट बनती आने पर ही दोबारा मोहम्मद नवाज स्क्वाड में शामिल हो सकेंगे। मोहम्मद नवाज कौमी T20 स्क्वाड का भी हिस्सा है। न्यूज स्टूडियो से इतना ही। मजीद न्यूज और अपडेट्स के लिए देखते रहिए वनडे न्यूज और विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट वनडे न्यूज.com।